रिजिड का मतलब अनअप्लाइंग द फोर्स दिए अच्छा अनअप्लाइंग द फोर्स ऑन ए बॉडी इफ द शेप ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस देन बॉडी शेल टू बी रिजिड। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से बॉडी का शेप चेंज ना हो तो बॉडी कैसी कही जाएगी, रिजिड कही जाएगी। ये न्यूटन की डेफिनेशन है। मॉडर्न साइंस में मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टाइन ने इसी की दूसरी डेफिनेशन दी रिजिड बॉडी की। बर्नौली ने भी आइंस्टाइन को सपोर्ट किया, वो ये ऑन अप्लाइंग द फोर्स इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी देन बॉडी सेड टू बी रिजिड। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाने से अगर बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स में संघटक कणों के बीच में जो कण मिल करके उस बॉडी को बनाते हैं उनके बीच में आपस में कोई रिलेटिव मोशन ना हो तो वो बॉडी कैसी होगी, रिजिड होगी। जैसे मान लो हम इस पर फोर्स लगाएं, तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे पूरी की पूरी बॉडी चली जाएगी, बॉडी कैसी है, रिजिड। लेकिन अगर एक एयरफिल्ड बलून हो, हवा भरा गुब्बारा, उस पर हम फोर्स लगाएं तो जहां पे फोर्स लगाएंगे वो ऐसे थोड़ा सा पहले दब जाएगा, वो कैसा होगा, नॉन रिजिड। बात समझ रहे कैसा होगा, नॉन रिजिड होगा। क्यों नॉन रिजिड हुआ, क्योंकि बलून के कंस्टिट्यूएंट्स में आपस में क्या स्टार्ट हो गया, रिलेटिव मोशन। बगल वाला खड़ा रहा लेकिन जिस पे हम फोर्स लगाए वो आगे बढ़ गया। एक्चुअली देयर इज नो परफेक्टली रिजिड बॉडी प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु वास्तव में पूर्णतया दृढ़ रिजिड है ही नहीं। Rigidity of a body or a substance depends on its extent of force or its elasticity. किसी भी body की rigidity वो कितना rigid है ये किस बात पे depend करता है, उसकी दृढ़ता उसकी elasticity यानी कि प्रत्यास्थता पे depend करता है उसकी, और material पे depend करता है वो material कैसा है। तीसरा depend करता है कि कितना force आपने लगाया है। For example, एक candle मोम की बनी हुई wax की बनी हुई candle छोटे से बच्चे के हाथ में दे दी जाती है तो उसके लिए वो बॉडी कैसी होगी, रिजिड होगी, नहीं दबेगी। लेकिन हमारे हाथ में आएगी तो वो नॉन रिजिड हो जाएगी। हम इस पर फोर्स लगाएं तो ये हमारे लिए कैसा नजर आ रहा है, रिजिड। लेकिन एक हथौड़े से इस पर फोर्स लगाएं तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन रिजिड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स देन बॉडी विल बी रिजिड। और अगर हम इस पर हथौड़े से फोर्स लगाना शुरू करें तो कैसी नजर आएगी, इसके नॉन रिजिड हो जाएगी। तो हकीकत में रिजिड हुआ क्या कि इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स तो आइडियल रिजिड बॉडी केवल एटम। एटम को भी डाल्टन के बाद थॉमसन ने जाकर के उसको भी नॉन रिजिड घोषित कर दिया। रिजिड बॉडी वही होगी जिसके अंदर में कोई कंस्टिट्यूएंट ना हो, एक सिंगल बॉडी जिसकी कोई यूनिट ना बने, एक सिंगल यूनिट ही क्या हो सकती है, रिजिड हो सकती है। मौके पे लेटेस्ट वर्जन जो है उसमें रिजिड कंप्लीटली परफेक्टली रिजिड किसको माना जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनको अभी तक हम प्रैक्टिकली डिवाइड नहीं कर सकते, बस केवल रियलाइज करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं कैसी बॉडी नजर आती है, वो रिजिड। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा करके अभी तक इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर पाए, लेकिन एटम को फोर्स लगाने से एटम भी क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। किन चीजों में ब्रेक कर जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और आगे मॉडर्न साइंस ने इसी को एक्सप्लेन किया, ये भी ब्रेक कर जाते हैं, न्यूट्रॉन भी ब्रेक करता है, न्यूट्रॉन ब्रेक करता है किसमें, ब्रेक होकर चला जाता है प्रोटॉन में, और न्यूट्रॉन किसमें ब्रेक करता है, पाई न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जब ब्रेक करता है, आप सभी लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एटॉमिक फिजिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में वहां भी आएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग पढ़े हैं जानते हैं, नहीं जानते हैं पढ़ेंगे, तब टॉपिक आएगा कि ये तो अच्छे तरीके से जानते हो कि एक एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता है। क्या कभी आपने अपने मास्टर साहब से ये सवाल पूछा कि न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होना चाहिए रिपल्शन, क्यों नहीं न्यूक्लियस ब्रेक कर जाता, न्यूक्लियस को कौन बांध के रखता है, इफ देयर इज नो इवन देयर इज नो डेफिनेट बाउंड्री अराउंड द न्यूक्लियस, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, फिर भी न्यूक्लियस बंधा रहता है। कौन सा वो फोर्स है जो कि नो वंडरवॉल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन ये तो मानते हो, कोई बड़ा सा न्यूक्लियस ले लो जैसे जस्ट लाइक सोडियम एटम ले लो,
कोई भी एटम ले लो, सोडियम एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 11 है ना, 11 में 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, फिर भी वो वहीं बने रहते हैं क्यों? बहुत जबरदस्त फोर्स पैदा होती है जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे तो फोर्स बहुत ज्यादा होता है। एक पेन को हम यहाँ से गिरा देते हैं जितना फोर्स लगता है इसका अप्रोक्सीमेटली 10^43 टाइम्स इतना गुना ज्यादा फोर्स लगता है एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन इससे भी बड़ा जो फोर्स होता है न्यूक्लियस के अंदर लगता है उसे कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसका रीजन क्या है इसे समझो। ड्यू टू द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन बाय द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ पाई मेसॉन्स, पाई मेसॉन को एब्जॉर्ब करके या पाई मेसॉन को इमेज करके कंटिन्यूसली लगातार प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है। दैट्स व्हाई वी कैन से न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ टू कंस्टिट्यूएंट फंडामेंटल पार्टिकल्स नोन एज प्रोटॉन एंड पाई मेसॉन्स। न्यूट्रॉन यू नो दैट न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है न्यूट्रल पार्टिकल होता है, बट प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन से हमको बनाना प्रोटॉन है तो क्या करें इसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल दें, नेगेटिव चार्ज निकाल दें तो कैसा बचेगा पॉजिटिव बचेगा। न्यूट्रॉन कैन बी चेंज इनटू प्रोटॉन बाय द इमिशन ऑफ नेगेटिव पाई मेसॉन्स, जब हम पाई मेसॉन न्यूट्रॉन से निकाल करके प्रोटॉन बना रहे होंगे तो वो पाई मेसॉन कैसा होगा नेगेटिव पाई होगा। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन देन वी शुड इमेज अ पॉजिटिव पाई मेसॉन, एक पॉजिटिव पाई मेसॉन निकाल दें उसमें से तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। वी कैन से मेसॉन्स आल्सो इज अ टू टाइप, मेसॉन दो तरीके का होता है, पहला क्या है पॉजिटिव पाई मेसॉन, दूसरा क्या है नेगेटिव पाई मेसॉन। डिटेल के लिए पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, डिटेल में आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स और डिटेल में क्षेत्र लेकर के जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा और डिटेल में आ गए तो पूछ लिया था इस बच्चे ने क्या होता है उसी के बेसिस पे आ गए, रिजल्ट समझ में आ गया।